हेलो गाइस, आई एम प्रवीण फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है अमेरिकन नेशनल थ्रेड, जिसका दूसरा नाम है और सेलर थ्रेड्स। इसमें देखिए, द एंगल ऑफ द अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स इज 60 डिग्री। इससे पहले मैंने BSW थ्रेड बनाया था और मैंने इन थ्रेडों के अंदर आपको बताया है कि यही मेन है कि आपको एंगल याद रहना चाहिए। अगर आप एंगल याद रहता है तो पूरा डायग्राम जो आपका है थ्रेड का, वो इजीली बन जाती है पूरी ड्राइंग। तो जो आपका अमेरिकन नेशनल थ्रेड है, इसके अंदर एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब इस एंगल से हम डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले एक छोटी सी लाइन ले लेते हैं हम। अब इसके ऊपर से कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। मैंने जो पीछे भी आपका डायग्राम बनाया था, तो अब हम 60 डिग्री को, जो भी एंगल हो, जैसे 60 डिग्री है, 60 डिग्री को 2 से डिवाइड करो तो क्या आया आपका? 30 डिग्री। हाफ़, मतलब इसका हाफ़ कितना है? 30 डिग्री। तो जो हम एंगल लेंगे, पहला क्या लेंगे? 30 डिग्री। देखिए, ज़ीरो, 10, 20, दिस वन इज़ 30 ले लिया। 30 लेने के बाद इसको आप मिलाइए इधर। और अब आपने एक सेंटर लाइन ले लेनी नीचे की साइड। अब इसी सेंटर लाइन के ऊपर आपने अगेन रखना है 30 डिग्री पे, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है उस पे, ये बीच का पॉइंट रखना आपने डी का, और इस लाइन से इस लाइन को मैच करते हुए अब 30 डिग्री अगेन लेना है। ये आपने 30 डिग्री लिया। तो अब आप इन दोनों को मिला दीजिए। ये वाली जो लाइन, बारीक सी लाइन आप इसके अंदर से ले लीजिए ताकि आपको बाद दिक्कत ना हो। आप एक बार, ठीक है। अब इसके बाद आपने अगेन कितने डिग्री का एंगल लेना है? 30 डिग्री का। इसी पॉइंट पर रख के 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद आप इसको मिलाइए, फिर दोबारा सेंटर लाइन, फिर आपने 30 डिग्री, फिर आपने अगेन वही 30, फिर आपने अगेन 30, इतना करने के बाद जब आपने इतना इसका काम ये सारा कर लिया है, इसके बाद अब आपने क्या करना है कि जो इसकी हमारे पास ये क्या है बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गई? इसकी पिच आप शो कर दीजिए इधर बेशक से। थोड़ी लाइन टेढ़ी आ गई, मिटा देते हैं इसको, बस सीधी कर लीजिए लाइन को। ये आपकी, ये यहाँ से लेके ये दिस वन, यहाँ से लेके और इस वाले यहाँ तक, ये क्या है आपकी पिच। दिस वन इज़ पी और फिर दिस वन इज़, ये भी क्या है आपकी पी, ठीक है। और जो ये है आपकी, ये आपकी है 0.5 पी,
0.5 पी और ये भी आपका क्या है 0.5 पी, मतलब आपकी आधी पिच है 0.5 पी। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपके पास दिस वन है आपकी हाइट, ये आपने मेज़र कर लेनी है कितनी है, ये है आपकी एच हाइट, ये जो बीच में एंगल बना ये कितने डिग्री का बना आपका, ये बना आपका 60 डिग्री का, और ये जो आपका एंगल बना किस तरीके से लेना है ये मैं बता दिया है आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। 60 डिग्री, ये दोनों एंगल आपके कितने हैं 60 डिग्री के आपके दोनों एंगल आ गए। दोनों आपके एंगल आ गए 60 डिग्री के। इसके बाद आप हाइट मेज़र कीजिए कितनी आई आपके पास हाइट, हाइट है आपकी ये 44, कितनी है आपकी 44, जो हाइट है आपकी, जो हाइट आ रही है ये आ रही है आपकी 44 mm। मेज़र कर लेना आप, एंगल डाल के मेज़र कर लेना, जब जब आप एंगल बनाएंगे तो उस हिसाब से आपके पास हाइट आ जाएगी। इधर हाइट आई आपकी 44 mm। इस हाइट का h इज़ इक्वल टू 0.125, जो ये तो थी कैपिटल हाइट, अगर मैं स्मॉल हाइट की बात कर रहा हूँ तो ये हो गए 0.125 एच, ये आई हमारे पास 0.125 × 44। तो 125 को 44 से आप गुणा कर ली, 4 × 5 = 20 की जीरो हासिल दो, 4 × 2 = 8, 10 की जीरो हासिल एक, 4 × 1 = 4 और 1 = 5। इसके बाद अगेन 4 × 5 = 20 की जीरो हासिल दो, 4 × 2 = 8, 10 की जीरो हासिल एक, 4 × 4 = 5। ये आ गया आपका 5500। दशमलव कितने के बाद है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, लगभग 5.5। तो आपने क्या करना है, लगभग ये 5 यहाँ तक है, ये हो गया 5.5, एक डॉट यहाँ लगा लो और 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ये देखिए आप 5 है, 5 mm है ना, ये देखिए ये रहा 5 mm का, 5.5 लगभग इसके बीच में यहाँ पे, ये 5.5 हमने ले लिया। तो 5.5 लेके हमने इसको इस तरीके से, और ऐसे ही नीचे से एक और लाइन ले लेनी है आपने, इस तरीके से हमने ले लेनी है। अब इसके बाद आपने ये थ्रेड की शेप में, आप कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, इसके लिए आप कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इधर से आप लगभग, और इधर से आप फिर जाके इस टाइप से नीचे आ जाना, और आप ये अब इसका ये आपका जो ड्राइंग है BA थ्रेड की, फिगर सॉरी BA नहीं, फिगर किसका है आपका, अमेरिकन नेशनल थ्रेड, ये आपकी अमेरिकन नेशनल थ्रेड की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट का आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।